अब सब कुछ क्लियर है, सब कुछ वाज़ह है कि भारत फिफ्थ जनरेशन वॉर के जरिए विराट कोहली लाइफ साइज स्टैचू एट टाइम्स स्क्वायर। अच्छा, इसे कहते हैं दोहरी मुनाफिकत। टाइम्स स्क्वायर के पास विराट कोहली का एक बहुत बड़ा स्टैचू, गोल्ड स्टैचू बनाया गया है, भारत को खुश किया है। और मुझे वो बात याद आ गई, सच कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अरे नहीं, विराट कोहली का स्टैचू लगेगा पाकिस्तान की क्रिकेट को शर्म दिलाने के लिए, ये वो स्टैचू लगेगा। पाकिस्तान का कौन सा बैट्समैन ऐसा है इस वक्त मौजूदा क्रिकेट टीम में जो विराट कोहली का जो स्ट्रेट छक्का था, दुनिया में कोई नहीं, दुनिया में कोई नहीं। हमारी कंट्री में और बाहर की दूसरी कंट्री में ऐसे कहते नहीं, एक जमीन आसमान का फर्क है। फर्क है, फर्क ये है कि हमारे लोग पैसे पे डिपेंड करते हैं। पाकिस्तानी प्लेयर तो सारे बिके हुए हैं ना, वो खेलते हैं ना कुछ काम करते हैं। तो भैया, इंट्रो देखने के बाद में आपको ये तो पता चल गया होगा कि विराट कोहली का स्टेचू अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर में लग गया है। वाह भाई वाह। बहुत सारे पाकिस्तानियों को ये मानना है कि ये जो विराट कोहली का स्टेचू लगा है टाइम्स स्क्वायर के अंदर, ये भारत सरकार ने लगाया है, सिर्फ पाकिस्तानियों को जलाने के लिए लगाया है। हाय हाय। ये पाकिस्तानी इतनी जड़ बुद्धि क्यों होते हैं, मेरे को तो यही समझ में नहीं आता। और ऐसी जड़ बुद्धि की दो औरतें आज आपके सामने पेश है, तो बिना देर के चलते पाकिस्तान। हम लोग मुसलमान जरूर है, ठीक है, हम मुस्लिम जरूर हैं, लेकिन हमारे मुस्लिम वाले काम नहीं है। अरे यार, अपनी माँ मत। वो लोग गैर मजहब के होकर भी ना, वो हम जैसे नहीं है, वो हमसे थोड़े बेहतर ही हैं। वाह भाई वाह। उनका देखें, वो उनका मुल्क कितना तरक्की कर रहा है, हर चीज में आगे जा रहा है। चली ना। सिर्फ क्या है कि जब हमारा पाकिस्तान और वो डिवाइड हुए थे तो सेम ही टाइम हुए थे, हम इतने पीछे क्यों हैं? मुझे नहीं पता करना। अगर आज उसको इतनी रिस्पेक्ट दी गई है तो उसकी वजह ये है कि वो लोग उनसे मैच करते हैं, उनके मुताबिक चलते हैं, तो उनके वो अप्रिशिएट करते हैं और उनको यानी कि एक वो नीचे से मकाम देते हैं। उनके मुताबिक नहीं चलते, क्रिकेट में परफॉर्मेंस अच्छी है ना, इसलिए एडमायर करते हैं लोग उनको। क्रिकेट में परफॉर्मेंस क्या क्या इन्हीं सब की है, इन्हीं की है, इसके अलावा भी तो कई इनके खिलाड़ी होंगे, अदरवाइज बाहर के होंगे, यही क्यों? तो इसकी कुछ वजूहात तो होंगी ना, लेकिन मैं नहीं समझती कि कोई इतना भी नहीं होता कि किसी को इतना एक स्टैचू बना के आप एक। देखिए, फैंस हर जगह आपके होते हैं, अमेरिका में ये हुआ, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्रिकेट दीवाने तो पूरी दुनिया में है ना। अगर उनको विराट कोहली की परफॉर्मेंस अच्छी लगती है, वो इंस्पायर है विराट कोहली से, तो फिर क्या हो सकता है? हो तो आपकी नजर में विराट कोहली क्या है? जीरो। क्या बोला तूने? जीरो 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 जीरो। अरे मैडम, उसके इतने रन है जितने तुम्हारी पूरी पाकिस्तान टीम ने नहीं बना रखे हैं। जीरो जीरो। खैर, मुझे लगता है काफी मासूम है ये औरत, आगे देखते हैं। क्योंकि मुझे, मैं लाइक नहीं करती हूँ। हिंदू हैं? बिल्कुल नहीं, इसलिए भी नहीं, ये नहीं। देखिए, हर किसी की अपना एक मज़हब और उसका अपना एक वो होता है, स्टेटस होता है, मैं उस पर नहीं जाती। लेकिन वो वैसे ही मतलब ये जो एज ए क्रिकेटर जो लोग हैं ना, ये जो क्रिकेट में हैं, ये वैसे ही माइंड के अच्छे नहीं हैं, जहन के अच्छे नहीं हैं। तालियां होनी चाहिए इनके लिए, तालियां। क्या किया है उन्होंने? उन्होंने कभी भी हमारे मुल्क को वो मुकाम नहीं दिया, जब भी हमारे मैचेस उनके साथ होते हैं तो हरा देते हमें। फॉलोइंग तो ठीक है, तो गोल्ड स्केचू बनाने की क्या जरूरत थी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। फॉलोअर्स और फैंस तो कुछ भी कर सकते हैं ना? नहीं, वो तो कर सकते हैं, ठीक है, ओवरऑल वर्ल्ड है, ठीक है, लेकिन इतना भी क्या हो गया कि आप गोल्ड स्टैचू बनाने लग जाएं? लेकिन खैर, फैंस हैं, मुझे लगता है फैन काफ़ी ज़्यादा, और वो भी अमेरिका के अंदर। हाँ, इंडिया में तो बनता तो चलो समझ आती, लेकिन अमेरिका में बनने से कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा। तो आई डोंट नो, इन खातून की तो चल गई है भैया अच्छे से। आई डोंट नो, तुम चलो इसीलिए तो स्टैचू लगवाया है। तुम्हारी जलन के बिना स्टैचू कामयाब कैसे होगा, वायरल कैसे होगा? अभी तो पाकिस्तान मीडिया के अंदर बड़े बड़े डिस्कशन होंगे इसके ऊपर। पाकिस्तान मीडिया में अभी तक पहुंची नहीं है खबर ये पूरी तरीके से, क्योंकि पाकिस्तान तो पहले ही सदमे में, अफगानिस्तान सेमीफाइनल में चला गया है, और तालिबान सरकार ने भारत को थैंक यू कहा कि हमारी टीम को इतना ऊपर तक ले जाने के लिए, सिखाने के लिए, हेल्प करने के लिए, और पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। तो पाकिस्तानी तो वैसे सदमे में कि हमने खेलना सिखाया, हमने सपोर्ट किया, हमको क्रेडिट नहीं दे रहे। पाकिस्तान ने अपनी
अपनी विन का जो क्रेडिट है वो भी कहीं ना कहीं इंडिया का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, इंडियन गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया, लेकिन पाकिस्तान का उन्होंने कोई इजहार नहीं किया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। यार ये पाकिस्तानी में गजब की कौम है, क्रेडिट चाहिए इनको, लेकिन इनके 5 लाख अफगानियों को धक्के देके भी निकालेंगे और क्रेडिट भी चाहिए। नहीं हरा नहीं देते, उन्होंने पहले ही सेटिंग की होती है। क्या सेटिंग की होती है? दे देते हैं इनको, सेट कर लेते हैं इनसे। हमारे प्लेयर्स तो वो प्रैक्टिस भी नहीं करते, हमारे प्लेयर्स को इतना अच्छा नहीं खेलते कि दुनिया का कोई भी मुल्क इनको पैसे दे देगा। आप दो ना। असल में बात ये नहीं है कि वो अच्छा नहीं खेलते, उन्हें अच्छा खेलना ही नहीं दिया जाता जी। तो जब किसी को हम परफॉर्म करने ही नहीं देंगे तो वो कैसे करेगा? अब हम ये कह देंगे जी कि बाकी टीम से भी इंडियन टीम जीत जाती है तो क्या उनको भी डॉलर्स देते हैं? हमसे स्ट्रॉन्ग टीम से जीते, ऑस्ट्रेलिया से जीते वो। हमारी कंट्री में और बाहर की दूसरी कंट्री में ऐसे कहते नहीं, एक जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है? फर्क ये है कि हमारे लोग पैसे पे डिपेंड करते हैं, कैश को तरजीह देते हैं। ये बात नहीं कर रही मैं आपको, ये कह रही हूँ कि आप कह रही है हमारे प्लेयर्स को वो पैसे देते हैं, तो भाई वो ऑस्ट्रेलिया से भी जीत गए हैं कल इंडियन टीम, तो क्या ऑस्ट्रेलिया को भी उन्होंने डॉलर्स दिए? नहीं नहीं, एज ए परफॉर्मेंस तो उनकी अच्छी है, लेकिन हमारे साथ हर बारी कैसे हार जाते हैं? कैसे पॉसिबल है कि वो जीत जाए? आप अपने खिलाड़ियों से पूछे ना कि उनका दिमाग बाकी सेल्फियों में क्यों है, शॉपिंग में क्यों है, वो प्रैक्टिस क्यों नहीं करते, ये तो खिलाड़ियों से सवाल पूछना चाहिए ना। मैं आपसे वही अर्ज कर रही हूँ कि ये लोग थोड़ा सा नहीं, जैसे कहते जैसे ही आप वो कहते हैं कि आपने मिसाल भी सुनी होगी कि जो किसी ने अगर किसी को अपने पीछे लगा लिया, कोई बात कह दी तो वो उसी के पीछे चल पड़ते हैं। कुछ इस किस्म के माइंड के ये लोग हैं हमारे खिलाड़ी बिल्कुल, इनका अपना कोई माइंड नहीं है। वो जिधर इनको लगता है ना कि यहाँ पर हमारी बेहतरी है या हमारे लिए कुछ बेहतर है, बस बात खत्म। तुम्हारी टीम के बारे में हमारे पुलिस सुपरस्टार क्या कहते हैं वो सुनो आप। नल्ले बेरोजगार छपरी और भिखमंगे और चप्पल चोर। यस यही है तुम्हारी टीम, नल्ली छपरी बेरोजगार और तुम्हारी पूरी कौम भी। अच्छा मुझे ये बताएगा एज अ प्लेयर विराट कोहली कैसे है? वो भी ऐसे ही है कि चल गए तो चल गए, ना चले तो ना चले। इतनी फैन फॉलोइंग कैसे? बस वो कुछ अनुष्का की वजह से भी हो गई हुई है। इससे पहले भी थी उनकी? पहले थी, ठीक है, एज अ क्रिकेट भी थी, लेकिन क्योंकि बाद में अनुष्का भी आ गई तो फिर उसकी वजह से जो अनुष्का के भी फैंस थे वो भी विराट के साथ हो गए। अच्छा। तो इसीलिए मुझे अच्छा तो ये लगता है, बाकी हर किसी का अपना ओपिनियन है। अरे मैडम, अनुष्का के आने से अनुष्का को फायदा हुआ, उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ी। अनुष्का को जानते कितने लोग थे? विराट कोहली को हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। और नहीं तो क्या? कुछ भी बोले जा रही है यार, पढ़ी लिखी लग रही शक्ल से। तो जो इंडियंस हैं आप, जिस तरह हम पाकिस्तानी हैं, हम अपने क्रिकेटर्स को उतना प्रमोट नहीं करते जितना इंडियंस करते हैं। इवन के पाकिस्तानी भी होंगे जो विराट कोहली के काफ़ी फैंस होंगे। बहुत है, सही है। तो ये है कि ठीक है, स्पोर्ट भी देखी जाती है एक जगह पर, लेकिन किसी की पर्सनैलिटी से भी लोग इम्प्रेस होकर उसको लाइक फैन फॉलोइंग लोग स्टार्ट कर देते हैं। परफॉर्मेंस नहीं उतनी मैटर करती है, परफॉर्मेंस भी मैटर करती है, लेकिन ये होता है कि लोग ज़्यादा पर्सनैलिटी से भी इम्प्रेस हो जाते हैं और कुछ लोग ज़्यादा लुक्स से भी इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन खैर लुक्स कितनी कोई खास है नहीं, पर अपना अपना, मैंने आपको जैसे पहले कहा ओपिनियन। आपको उनकी परफॉर्मेंस कैसी लगती है? मैंने आपको बताया तो है कि चल गए तो चल गए, ना चले तो ना चले। बात तो सही है, मैं सिर्फ इसकी एक ही बात से राजी कर सकता हूँ कि भाई चल गए तो चल गए, नहीं तो नहीं चले। क्योंकि ये बात जो भी क्रिकेट के बारे में जरा सी भी समझ रखता है उसको भी पता है कि हर मैच में हर खिलाड़ी नहीं चल सकता, वो किसी किसी मैच में चलते हैं। अभी वो फिलहाल हमारे विराट कोहली भाई के साथ हो रहा है, 6 मैचों में 66 रन बनाए भाई ने। मुझे पूरी उम्मीद है इन फिरंगियों से बदला लिया जाएगा, 200 साल हम पे राज करके गए तो विराट कोहली भाई अपना बदला लेगा। जहां तक विराट कोहली की फैन फॉलोइंग की बात है, इसके ऊपर तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। तमाम दुनिया में जो भी क्रिकेट फैन होगा, क्रिकेट लवर होगा, उसको विराट कोहली की जो हैसियत है, जो रुतबा है, वो अच्छे से पता होगा। तो इन पाकिस्तानियों को भरम पाले रहने दो, इनको ऐसे रहने दो, ये ऐसे ही सही है। फिर आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट करके इन पाकिस्तानी खातूनों को जवाब दे सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।